Okay, so now let us talk about critical angle and total internal reflection. So let us take a interface यहाँ पे और ये नीचे वाला जो है ये denser medium है यहाँ पे sir denser medium और this is rarer medium. हाँ ऐसे मान लो कि एक water tank है, ठीक है. इमेजिन की एक वॉटर टैंक है और नीचे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है. तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? वो डेंसर मीडियम में रखा है. तो इससे जो ये रे आएगा ये तो नॉर्मल इंसिडेंट है, ये रे इट्स नॉर्मली इंसिडेंट तो ये निकल जाएगा सीधा. लेकिन कोई दूसरा रे लेंगे हम लोग, ये वाला रे. तो ये जो रे है ये डेंसर से रेरर जा रहा है, डेंसर से रेरर जा रहा है. तो ये बेंड होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है. तो अगर आप अब दूसरा रे लोगे इस तरह से यहां, तो दिस रे विल आल्सो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, करेक्ट. एंड और ये वाला रे ले हुए तो हो सकता है दिस पर्टिकुलर रे विल graze on the surface, will graze on the surface, the refracted ray will graze on the surface, मतलब angle of refraction 90 degree. तो उस angle of incidence को बोलते हैं critical angle. उस angle of incidence को क्या बोलते हैं? ये critical angle होगा. तो यहाँ पे this is not critical angle, this is some angle of incidence. ये कुछ I1 है, ये I2 है. बट ये एंगल जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है 90 डिग्री हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं, उस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ये वाला, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल बोलते हैं. समझ में? तो क्रिटिकल एंगल जो है थीटा सी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री. क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, ठीक है. ओके ओके. तो अब सवाल ये कि सर इसके आगे क्या होता है, ठीक है. क्रिटिकल एंगल समझ में आया, बट व्हाट इफ एंगल आई इज ग्रेटर देन, इफ एंगल आई इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तब क्या होगा? तो ये हम लोग देख सकते हैं कि ये फाइनल बना कि अगर इससे बड़ा कोई रे है वो वापस इसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सेम मीडियम में क्या हो जाएगा, वो रिफ्लेक्ट यानी वापस इस तरह रिफ्लेक्ट हो जाएगा. इस टाइम में हम लोग बोलते हैं टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. और एग्जैक्टली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे करेगा, वो क्या ओबे करेगा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे करेगा, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर. तो ये अगर कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये होगा आर एंड आई इज इक्वल टू आर. इसलिए क्या बोला गया है, रिफ्लेक्शन लोड यूज किया. रिफ्लेक्शन कब यूज होता है? व्हेन एंगल आई इक्वल टू एंगल आर. इंटरनल क्यों बोला है? क्योंकि रे जिस मीडियम पे ट्रैवल कर रहा था उसी मीडियम में वापस आ गए, इसलिए बोला है इंटरनल. और टोटल क्यों बोला है? क्योंकि ये रे 100% वापस रिटर्न हो रहा है, इसका थोड़ा सा भी पोर्शन रिफ्रैक्ट नहीं हो रहा है. रिफ्रैक्शन इज जीरो, रिफ्रैक्शन इज वो टोटली रिफ्लेक्ट ही हो रहा है अंदर, पूरा 100% उसका एनर्जी क्या हो रहा है अंदर, रिफ्लेक्ट हो रहा है. तो समझ में आपको? तो इसका रीजन नहीं बता रहा है हम लोग, सिर्फ आपको ये फेनोमेना क्या हो रहा है वो बता रहा है, ठीक है. हेड की ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है ये नहीं पता, ऐसा क्यों हो रहा है, बट ऐसा हो रहा है. एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर रे पूरी तरह 100% वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, इसलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन क्यों? क्योंकि आई इज इक्वल टू आर. इसका मतलब ये हुआ कि यहां तक तुम्हें ये रोशनी दिखाई देगी बाहर आते हुए, लेकिन उसके बियॉन्ड वो तुम्हें बाहर लाइट आता हुआ नहीं दिखाई देगा. ये पॉइंट समझ में आया?
तो यहाँ पे जब आप देखोगे इसको तो आपको एक ऐसा ब्राइट स्पॉट दिखाई देगा जहां से कि रे बाहर आ रहा है, एक सर्कुलर एरिया आपको दिखेगा जहां से रे बाहर आ रहा है, लेकिन उसके बाहर इधर आपको रे नहीं दिखेगा, फिर वो पूरा अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, समझ में? ठीक है, तो इफ आई इज ग्रेटर देन थीटा सी देन व्हाट, राइट? ओके, देन व्हाट? देन पी आई आर विल टेक प्लेस एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। तो कुल मिला के टी आई आर के लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है बताइए, व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? यस, वेरी गुड, लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर। ये रेयर टू डेंसर में नहीं होगा ये फॉर्मूला, तो व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो ये हो गया पहला कि जो लाइट है इट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर। ठीक है, दूसरा, वेरी गुड, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन। ये दो कंडीशंस हैं टी आई आर होने के लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए। ठीक है, समझ में आपको? तो हम लोगों ने देखा क्रिटिकल एंगल क्या है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। अब अगर आपको मान लो कि ये सर्कल का एरिया निकाल रहा हूँ, तो कैसे निकालोगे आप? तो अगर मान लो ये जो टैंक है इसका हाइट एच है, इसका हाइट क्या है? एच। हाँ, ओके, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू है और ये एयर मीडियम इसका वन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि क्रिटिकल एंगल कैसे निकालते हैं। तो यहाँ हो क्या रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। हो क्या रहा है? रिफ्रैक्शन। रे कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहा है? रे यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहा है, तो ये मीडियम वन हुआ, ये क्या हुआ? मीडियम वन, और ये क्या हुआ? मीडियम टू। रे नीचे वाले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, इसलिए नीचे वाला मीडियम वन हुआ और ऊपर वाला मीडियम टू हुआ। तो क्या लिखेंगे हम लोग? म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। स्नेल्स लॉ, म्यू वन इज म्यू, साइन आई इज साइन क्रिटिकल एंगल, बराबर है? बोलो, इज इक्वल टू म्यू टू इज वन, क्योंकि वो लाइट किस में जा रहा है? एयर में जा रहा है। एंड साइन आर साइन 90, दैट इज साइन 90। सो दिस ऑल वन, तो यहां से आया साइन थीटा सी, यानी क्रिटिकल एंगल कितना आ गया? 1 बाई न्यू आ गया। तो फिर यहां से क्रिटिकल एंगल कितना हो गया? साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई न्यू। तो आपको मिल गया क्रिटिकल एंगल का वैल्यू, राइट? ठीक है, अब सवाल ये है कि वो जो सर्कल है जिससे लाइट बाहर आ रही है, उस सर्कल का एरिया कितना होगा? हाउ टू फाइंड इट? तो वेरी सिंपल है, बिकॉज दिस इज हाइट एच एंड दिस इज थीटा सी, जिसपे वो रे रेज कर जाएगा, यानी मुझे सिर्फ ये रेडियस चाहिए, मुझे सिर्फ ये रेडियस निकालना है, दैट्स ऑल, राइट? सो दैट्स सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि अगर ये थीटा सी है तो ये कितना होगा? थीटा सी। ये एच है, ये थीटा सी है, तो ये आर क्या होगा? एच साइन थीटा सी। क्या होगा? एच साइन थीटा सी, तो रेडियस आ जाएगा। साइन थीटा सी कितना है? 190 है, कितना है वो? तो बस एच साइन थीटा सी, यानी एच इनटू 1 बाई म्यू, ये आ गया रेडियस। तो क्या हो गया एरिया? इस एरिया से लाइट निकलेगा बाहर, तो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, तो पाई इनटू एच बाई म्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब अगर उसने ये पूछ दिया कि व्हाट, अगर मानो बोल रहे कि नीचे एक बल्ब लगा है, क्या लगा है? बल्ब, और पूछ लिया व्हाट फ्रैक्शन ऑफ लाइट इज कमिंग आउट, तो वो कैसे करेंगे? तो बताइए मुझे आप, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ लाइट इज कमिंग आउट फ्रॉम दी फ्रैक्शन ऑफ लाइट? अरे बड़ा मजाक करते यार तुम लोग, साइन आ गया इतना भी डिनोट नहीं आता तुम लोग, यहाँ क्या आएगा? अब तो जब मैं आप बोल देता, चलो देखो, तो अभी यहाँ पे जो है आप यहाँ पे क्या फाइंड करोगे? टैन थीटा। तो साइन थीटा कितना है? साइन थीटा है 1 बाई म्यू, तो साइन थीटा सी।
ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हो गया वन, हाइपोटेनस हो गया म्यू, तो बेस कितना आएगा, अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस आएगा, ये आएगा अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस वन, तो ये होगा एच टैन थीटा से, तो एच इंटू टैन थीटा कितना होगा, वन अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस वन, और उसके बाद आप निकालोगे एरिया पाई आर स्क्वायर से, वही पे ठीक है। अब बताओ मुझे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ लाइट, अगर हमने बल्ब लगा दीजिए तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ लाइट विल कम आउट फ्रॉम द पूल। देखो भाई, तो अभी यहाँ पे हम लोग अगर हमने ये निकालना है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ लाइट इज कमिंग आउट, वी विल नॉट यूज द कांसेप्ट ऑफ सॉलिड लाइट, तो कैसे यूज करेंगे देखो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक फॉर्मूला, ठीक है, वो आप याद रखिएगा कि अगर अपने पास ऐसा एक कोन है ये, और इस कोन का सेमी वर्टेक्स एंगल अगर थीटा है, कोन का क्या सेमी वर्टेक्स एंगल क्या है थीटा, तो ये जो कोन यहां जो सॉलिड एंगल सब्टेंड करेगा, सॉलिड एंगल, वो सॉलिड एंगल होगा 2 पाई इनटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है, इसको हम लोग डिराइव भी कर सकते हैं, ठीक है, आप बोलो तो मैं डिराइव भी कर लेता हूँ। देखो तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है सॉलिड एंगल, ठीक है, तो इसको हम लोग यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ लाइट इज कमिंग आउट, कैसे लाइट एंगल। ये अगर हमने पूरा एक स्फीयर कंसीडर किया होता, पूरा क्या कंसीडर किया होता, स्फीयर कंसीडर किया होता, तो वो स्फीयर अपने सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल सब्टेंड करता, याद है किसी को, 4 पाई स्टेडियम, आपको याद आ रहा है एक साल पहले। तो सॉलिड एंगल फॉर्मूला क्या होता है, S by R square, S by, तो एक पूरा स्फीयर अपने सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल सब्टेंड करेगा, S मतलब सरफेस एरिया, तो सॉलिड स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई R square डिवाइड बाई R square, कितना आया 4 पाई स्टेडियम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे बल्ब लगाया है वो बल्ब जो पावर एमिट कर रहा है, जो उसका पावर यानी मान लो उसका कुछ तो 100 वैट का बल्ब, तो वो 100 वैट जो पावर एमिट कर रहा है, राइट, एनर्जी जूल पर सेकेंड, वो जूल इस पूरे स्पीयर से निकल रहा है, पूरे किससे निकल रहा है स्पीयर से, समझ में आ रहा है, राइट। लेकिन हमें क्या निकालना, हमें सिर्फ वो फ्रैक्शन निकालना है जो सिर्फ इस कोन से निकल रहा है, यस नो करेक्ट। तो हम लोग कैसे करेंगे, दैट्स वेरी सिंपल, हम लोग बोलेंगे कि 4 पाई सी रेडियन के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना पावर एमिट हो रहा है, मान लो पी, कितना एमिट हो रहा है पी, समझ में, तो 1 सी रेडियन के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना एमिट होगा पी बाई 4 पाई, तो फिर ये जो है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितना एमिट होगा P by 4 pi into, that's all, isn't it? बस ये आंसर है, यानी P by 4 pi into 2 pi into 1 minus cos theta, ये कैंसिल हो गए 2 आ गए, यानी जो उसमें से एनर्जी एमिट हो रहा है, पावर एमिट हो रहा है पर यूनिट टाइम, P dash, वो P dash निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया P into 1 minus cos theta by 2, that's all, खत्म हो गया, सिर्फ फ्रैक्शन लेना है, यूनिटरी मेथड। तो जो पूरा स्फीयर है दैट सब्सटेंस द सॉलिड एंगल ऑफ 4 पाई सी रेडियन, राइट, तो 4 पाई सी रेडियन कॉरेस्पॉन्ड्स टू व्हाट, टोटल पावर ऑफ द बल्ब, ये बल्ब का जो पूरा एनर्जी है, पूरा जो पावर है वो उस पूरे 4 पाई सी रेडियन से निकल रहा है पावर, तो इसलिए मैंने क्या बोला 4 पाई सी रेडियन कॉरेस्पॉन्ड्स टू P वैट, तो 1 सी रेडियन कॉरेस्पॉन्ड्स टू P by 4 पाई वैट, सो ओमेगा सी रेडियन दिस सॉलिड एंगल कॉरेस्पॉन्ड्स टू व्हाट, दिस इनटू सॉलिड एंगल, इतना पावर एमिट होगा या इतना एनर्जी उसमें से निकल रहा है, ठीक है, समझ में आप लोग, और राइट, वो जो सर्कल बना था उसमें से कितना निकल रहा है, क्लियर हो गया, तो ये उसका आंसर। सो नाउ लेट अस डिराइव दिस इक्वेशन, दिस फॉर्मूला, सॉरी, तो मैंने एक स्फीयर का
एक पार्ट ले लिया ठीक है। तो ठीक है इस तरह से राइट, इसको हम लोग थोड़ा क्या करते हैं सिर्फ उतने ही पार्ट को थोड़ा थोड़ा मैग्निफाई कर देते हैं ठीक है, पूरा स्फीयर हटा देते हैं। तो यहाँ से मैंने पूरा स्फीयर हटा दिया, आप समझते हो हम लोग क्या कर रहे हैं। अब तो मैंने ले लिया, अभी इसका एक ऐसा थोड़ा स्टोरेज बड़ा कर दिया ओके। तो ये कोन है, ये जो है ये कोन है और ये ऊपर वाला है जैसा आइसक्रीम होता है वैसा ठीक है। कोन का ये तो प्लेन सरफेस है ना, लेकिन उसके ऊपर स्फीयर का अपना पार्ट भी है कि नहीं है ठीक है। इसमें अब मैं एक छोटा सा ऐसा एक एलिमेंट ले रहा हूँ, क्या ले रहे एलिमेंट, और ये क्या है आर है क्या, और ये भी आर है, ये आर है कि नहीं, और ये भी आर है ठीक है। तो ये जो एंगल है अभी यार हटा देते हैं, आप समझते हो आ रहे हैं। तो ये जो एंगल है इसको हमने कुछ अल्फा मान लिया, क्या मान लिया अल्फा, इसको मान लिया डी अल्फा ठीक है, अल्फा डी अल्फा। तो भाई ये जो है थिकनेस क्या ये आर डी अल्फा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आर डी अल्फा आएगा कि नहीं आएगा, ये थिकनेस देखो ये बन रहा है एक छोटा सा ट्रायंगल, ये बन रहा है एक छोटा सा नहीं पतला सा ठीक है, ऐसा ऐसा एक ट्रायंगल बन रहा है जिसका ये थिकनेस डी अल्फा, ये एंगल कितना है डी अल्फा, ये कितना है आर। तो ये अगर लेंथ डी एल है, ये लेंथ क्या है डी एल, तो आपको पता है कि डी अल्फा क्या होता है, डी एल बाई आर, इसको प्लेन एंगल का फॉर्म होता है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, थीटा इज इक्वल टू एल बाई। तो ये डी एल क्या आएगा, आएगा कि नहीं आएगा आर डी अल्फा, तो वही दिक्कत मैंने आर डी अल्फा समझ में आपको। अच्छा ये अल्फा है और ये आर है, तो ये कितना आएगा, क्योंकि ये आर है तो ये आएगा आर साइन अल्फा, ये क्या आएगा समझ में आपको आर साइन अल्फा ठीक है। तो ये जो एलिमेंट हमने लिया है इस एलिमेंट का पेरीमीटर कितना होगा 2 पाई आर साइन अल्फा, और उसका एरिया क्या होगा डी ए, तो वो होगा लेंथ इनटू ब्रेथ ठीक है। तो उस एलिमेंट का एरिया कितना होगा, उस एलिमेंट का एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ होगा 2 पाई आर साइन थीटा, लेंथ क्या होगा सॉरी अल्फा 2 पाई आर साइन अल्फा, थीटा क्या है थीटा टोटल एंगल है वो इंटीग्रेट करते हुए काम आएगा ठीक है। तो 2 पाई ये रेडियस, ये आया लेंथ, उस स्ट्रिप का लेंथ आ गया, लेंथ मतलब पेरीमीटर, लेंथ मतलब पेरीमीटर जो सर्कल है ना वो, और उसका ब्रेड कितना है आर डी अल्फा, तो कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर साइन अल्फा डी अल्फा समझ में। ये आया डी ए, तो अभी ये डी ए कितना सॉलिड एंगल सब्टेंड करेगा वो है डी ओमेगा, ये डी ए कितना सॉलिड एंगल सब्टेंड करेगा वो है डी ओमेगा। अभी ओमेगा क्या होता है एरिया अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है ना, तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन आर स्क्वायर समझ में, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर साइन अल्फा डी अल्फा अपॉन आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर बोल लो कैंसिल, तो यहां डी ओमेगा कितना आया 2 पाई साइन अल्फा डी अल्फा। अब मुझे चाहिए कि ये पूरा कितना सॉलिड एंगल सब्टेंड करेगा, यानी मुझे इस एरिया का इसके बाजू वाले एरिया का सबका मुझे जोड़ना पड़ेगा ना, अब मुझे मालूम पड़ेगा ये कितना सॉलिड एंगल सब्टेंड कर रहा है, बोलो बोलो आगे नहीं आया ना, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अभी ये यहाँ पे वेरिएबल क्या है अल्फा, तो अल्फा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा 0 से थीटा, क्योंकि तो ऐसा है ना अल्फा ऐसा वेरी करेगा ना 0 से कहाँ तक वेरी करेगा थीटा तक, मतलब डाल दो 0 से थीटा, तो वो उधर का हो गया ओमेगा 2 पाई और साइन अल्फा का हो गया इंटीग्रेशन माइनस कॉस अल्फा, तो वो हो गया माइनस कॉस अल्फा फ्रॉम 0 टू थीटा, तो पहले उसमें डालो थीटा
तो वो आएगा माइनस कॉस थीटा, फिर एक माइनस आएगा कंपलसरी, और फिर आएगा माइनस कॉस जीरो, तो ये आ जाएगा टू पाई इंटू वन माइनस कॉस थीटा, ये आ गया ये फॉर्मूला टू पाई इंटू वन माइनस कॉस थीटा। थीटा क्या है? थीटा इज द सेमी वर्टेक्स एंगल, इसलिए मैंने इसको लिया थीटा, दिस इज द सेमी वर्टेक्स एंगल। समझ में आपको? तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी काम आएगा, फ्लक्स निकालते वक्त, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये काम आएगा सॉलिड लेवल का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये जो कोण है जिसका सेमी वर्टेक्स एंगल थीटा है, ये कितना सॉलिड एंगल बनाएगा? टू पाई इंटू वन माइनस कॉस थीटा।